बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। डेली मोहम्मद चैनल की तरफ से आज मैं अपने दोस्तों को तौबा कबूल होगी इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने क्या फरमाया वो बताऊंगा। उससे पहले मैं अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक डेली मोहम्मद को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इतने गुनाह कर लो कि तुम्हारे गुनाह आसमान तक भी पहुंच जाए, मगर इसके बाद तुम तौबा कर लो तो अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल कर लेंगे। इब्ने माजा में है, अगर तुम इतने गुनाह कर लो कि तुम्हारे गुनाह आसमान तक भी पहुंच जाए, मगर इसके बाद तुम तौबा कर लो तो अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल कर लेंगे। इब्ने माजा में है, यानी अगर गुनाह सरजद हो जाता है तो उसके बाद ज़रूर तौबा किया करें। अल्लाह ताला के तौबा के दरवाज़े और माफ़ करने के दरवाज़े हर टाइम खुले रहते हैं। गुनाह के बाद पहली कोशिश किया करें, गुनाह ना करें। अगर हो जाता है तो अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार ज़रूर किया करें, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। आप दोस्तों ने इस हदीस पर ख़ुद भी अमल करना है और आगे भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।